हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। कृष्णा की किचन में आपका स्वागत है। आज कृष्णा की किचन में बनने जा रहा है बैंगन का भरता, वो भी नए स्टाइल, नए तरीके से। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने पहले सबसे पहले ये 250 ग्राम बैंगन ले लिए हैं, और इनको हम बैंगनों को पहले क्या करेंगे, इनका पेट फाड़ेंगे इस तरह। ये देखिए, इस तरह मैंने इसमें चीड़ा लगा दिया है तीनों बैंगनों में, और उसके बाद इसे इस तरह फाड़ के इसमें रख देंगे लहसुन इस तरह, और इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची इस तरह। ये देखिए इस तरह, और सभी में हम इसी तरह ये देखिए मैंने तीनों में पैक कर दिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे गैस ऑन कर लेंगे उस। तो फ्रेंड, यहाँ पे रख देंगे बैंगन, ये भूजने के लिए मैंने बैंगन रख दिया है। पहले तो देसी तरीके से इसको कपड़े में लपेट के और जो कोयले की आंच होती थी उसके नीचे दाब दिया जाता था, जिससे कि ये अच्छे तरीके से पक जाता था। अब तो इसी तरह इसको भुनना होता है। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरी तरीके से भुन चुका है, और इसे हटा के अब दूसरे को रख देंगे, और इसी तरह सभी बैंगन को हम भून लेंगे। और फ्रेंड, जैसे ही बैंगन भुजते जाएं, आप इसमें से इसे लहसुन और हरी मिर्ची को निकाल दें। मैं आपको दिखा दूँ, ये गल चुके हैं, ये देखिए काफ़ी गर्म है। और जो बैंगन का छिकल है इसे उपाड़ दें। और ये काफ़ी गर्म है फ्रेंड। उसका छिकल अलग कर दिया है, और ये गरम गरम में ही छिकल अलग हो जाता है, ठंडे होने के बाद नहीं हो पाता है। तो आप जैसे बैंगन से के दूसरे बैंगन का भी छिकल इसी तरह हटा दें, या फिर आपके पास जाली हो तो सारे बैंगनों को एक साथ आप भून सकते हैं और एक साथ छिकल हटा सकते हैं। इधर फ्रेंड, मैं टमाटर रख देती हूँ भूनने के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे बैंगन का भरता बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ बैंगन भी मैंने भून के छील लिए हैं, और टमाटर को भी मैंने भून के छील लिया है, और ये मैंने प्याज ले लिया, और 1 इंची अदरक का टुकड़ा ले लिया है। तो अभी क्या करेंगे, बस ये डंठल को अलग कर देंगे हम बैंगन के को। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक चॉपर है, तो चॉपर में मैं डाल रही हूँ प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये चॉप करने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड, बड़े ही अच्छे तरीके से ये इसमें चॉप हो गए सब। फ्रेंड, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब फ्रेंड, मैं डालूं यहाँ पे बैंगन, बैंगन को भी बारीक चॉप कर लेंगे, या फिर आपके पास आलू मिसल हो तो आप उससे मरक्ट ही इसे कढ़ाई में कच्छली से बारीक कर सकते हैं। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मेरी वीडियो देखने को। ये देखिए फ्रेंड, बैंगन भी हमारा काफी अच्छे तरीके से मच चुका है। तो फ्रेंड, सब कुछ रेडी है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने गैस चला दिया, और गैस पे रख रहे हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे तेल। जैसे फ्रेंड तेल गर्म हो जाए, इसमें डाल दीजिए जीरा। जीरा जैसे चटके आप इसमें डाल दीजिए टमाटर, प्याज वगैरह जो हमने। जो हमने चॉपर से चॉप किए थे। हल्का सा भून लीजिए इन्हें इस तरह चलाते हुए। जैसे फ्रेंड ये चटक जाए, वैसे काफी टाइम नहीं लगेगा इनको, बहुत ही कम समय में ये हो जाएंगे, क्योंकि टमाटर और लहसुन वगैरह ये हरी मिर्च वगैरह भुनी हुई है। तो इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर और हल्का सा पानी डाल के मसाले को भून लेंगे। और यहीं पर डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, हल्का सा चाट मसाला पाउडर। और फ्रेंड जैसे ही मसाला भून जाए आप देख पा रहे हैं मसाला तेल छोड़ने लगे, ये देखिए मसाले ने सारा तेल अपने से छोड़ दिया है। इसमें डाल दीजिए बैंगन, और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये लीजिए फ्रेंड बैंगन का भरता बनके बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल नए तरीके से, आपको इस तरह किसी ने नहीं बताया होगा। और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए हरा धनिया। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो ऐसी किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।